नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी शर्ट पाठशाला चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है दीपक गुप्ता और मैं पढ़ाता हूँ रीजनिंग। तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिकों में से एक टॉपिक की चर्चा करते हैं आज, कैलेंडर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा कैलेंडर। आप कह सकते हैं कि कैलेंडर में सबसे पहले होता है दिन, जो कि होता है 7 दिन, और इन्हीं 7 दिनों से मिलकर बनता है आपका महीना, जो कि होता है 12 महीना, और इन महीनों से बनता है आपका एक पूरा का पूरा साल। तो आप कह सकते हैं कि एक साल में जो दिन होते हैं वो 365 दिन और लगभग 6 घंटे होते हैं, लगभग। तो आप कह सकते हैं कि ये 6 घंटे जब 4 साल में चलेगा तो 4 साल में ये पूरा का पूरा बनाता है 1 दिन। तो आप कह सकते हैं कि हर 4थे साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से कैलेंडर आपका हो जाएगा 2 प्रकार का कैलेंडर। पहला कैलेंडर आपका होगा सामान्य वर्ष का कैलेंडर, सामान्य वर्ष, और दूसरा होगा आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष को बोलते हैं अधिवर्ष। आप कह सकते हैं कि एक सामान्य वर्ष में दिन जो होते हैं वो 365 दिन और एक लीप वर्ष में 366 दिन। आप कह सकते हैं कि कुल 7 दिन होते हैं, तो इसको हम 7 से भाग देंगे तो आप कह सकते हैं ये बनेगा 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, और जब यहाँ पे आप 7 से भाग देंगे तो आप कह सकते हैं कि आपका बनेगा ये 52 सप्ताह और प्लस 2 दिन। ये जो आपका 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, ये आपका जो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं ऑड डेज, विषम दिन। तो आइए बात करते हैं कि सबसे पहले विषम दिन क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि कुल दिनों को 7 से भाग देने पर जो भी दिन आएगा वो विषम दिन है। जैसे अगर मैं कह दूं कि 56 दिन में कितने विषम दिन हैं, 56 दिन में कितने विषम दिन हैं, तो आप कह सकते हैं कुछ भी नहीं करना है आपको, इस 56 को 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वो आपका विषम दिन। तो 7 को जब 56 से भाग देंगे तो आपका शेषफल आएगा 0। तो आप कह सकते हैं कि 56 दिन में कुल विषम दिन है 0। ऐसे या किसी भी दिन में जब 7 से भाग देते हैं तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो आपका विषम दिन होगा। इसके बाद बात करते हैं लीप वर्ष की, कि लीप वर्ष कैसे चेक करेंगे कि लीप वर्ष कौन सा है कौन सा नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ 1954, तो आप कह सकते हैं कि इसको मैं चेक करता हूँ, अगर ये 4 से डिवाइड होगा तो ये आपका लीप वर्ष है, और अगर आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका सामान्य वर्ष है। तो जब आप इसको 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 1954 जो है ये आपका है सामान्य वर्ष। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं जैसे दिया गया है 1996 दिया गया है, जब इसको आप 4 से भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका जो है वो है लीप वर्ष। तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कहीं पर शताब्दी वर्ष तो अगर कहीं पर शताब्दी वर्ष आ रहा है तो उसको आपको डिवाइड करना है 400 से। वे वर्ष जो 400 से डिवाइड होंगे, सॉरी, वे शताब्दी वर्ष जो 400 से डिवाइड होंगे उसको आप कह सकते हैं कि वो आपका शताब्दी वर्ष तो है, और साथ में साथ ही साथ लीप वर्ष है। जैसे दिया गया है 1600 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये आपका है लीप वर्ष। लेकिन अगर दिया गया है 1800, तो इसको जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका है सामान्य वर्ष। तो दोस्तों आप कह सकते हैं
कि लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है, सामान्य वर्ष कौन सा वर्ष होता है, या आप देख के बता सकते हैं कि ऐसे वर्ष जो 4 से अथवा 400 से डिवाइड होंगे वो आपको लीप वर्ष हैं, और ऐसे वर्ष जो 4 से अथवा 400 से डिवाइड नहीं होते हैं वो आपके हैं सामान्य वर्ष। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे दिया गया है 1912, इसमें कुल कितने लीप वर्ष हैं, तो आप कह सकते हैं इसको आप जैसे दिया गया है 53 वर्ष, आप कह सकते हैं कि इसमें कुल कितने लीप वर्ष हैं, तो जब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे जो आपका भागफल प्राप्त होगा वो आपका बन जाएगा लीप वर्ष। जैसे 4 से भाग देंगे तो कितनी बन जाएगी, 4 × 9 = 4 और 4 × 3 = 12, तो आप कह सकते हैं कि भागफल 13 है, तो आपका 13 लीप वर्ष, बाकी के जितने भी वर्ष होंगे वो आपके हो जाएंगे सारे के सारे सामान्य वर्ष। तो आप कह सकते हैं कि 53 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष हैं, 53 वर्ष में कुल मिला के 13 लीप वर्ष आपके बनेंगे। इसी प्रकार से जैसे दिया गया है 90 वर्ष, तो आप कह सकते हैं कि 90 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष हैं, तो जब आप 90 को 4 से डिवाइड करेंगे और जितनी बार आपका डिवाइड होगा जो भी आपका भागफल होगा वो आपका बन जाएगा लीप वर्ष। आप कह सकते हैं कि जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 4 × 8 हासिल बचेगा 1 और 4 × 8, तो आप कह सकते हैं कि 90 वर्ष में टोटल 22 लीप वर्ष होंगे। तो दोस्तों आप ऐसे ही किसी भी वर्ष को 4 से भाग देंगे और जितनी बार डिवाइड होगा वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे 100 वर्ष दिया गया है, तो 100 वर्ष को आप डिवाइड जब 4 से करेंगे तो आपका बनना चाहिए 25 लीप वर्ष, लेकिन आप ये जो आपका 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष होगा इसको आपको डिवाइड करना है 400 से, तो 400 से डिवाइड नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि 24 आपका लीप वर्ष होगा। तो आप कह सकते हैं कि 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष, और आप कह सकते हैं कि विषम दिन जो होता है, विषम दिन बराबर कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष अपॉन 7, ये एक फार्मूला होता है कि अगर आपको बताना है कि कुल वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7 बराबर विषम दिन, तो आप कह सकते हैं विषम दिन किसी भी वर्ष जो भी वर्ष दिया जाएगा अगर उसमें आप लीप वर्ष ऐड कर देंगे और उसको 7 से भाग देंगे जो भी भाग शेषफल आएगा वो आपका बनेगा विषम दिन। जैसे यहाँ पर दिया गया 100 वर्ष, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जब आप रखना स्टार्ट करेंगे 100 + 24/7 बराबर आप कह सकते हैं 124/7, और इसको जब आप भाग देंगे तो आपका भाग आएगा शेषफल आएगा 5, तो आप कह सकते हैं कि 100 वर्ष में कुल 5 विषम दिन होते हैं। और इसी प्रकार से आप आगे कह सकते हैं कि 200 वर्ष में 5 + 5 + 5 कुल 10 विषम दिन, 10 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3, तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं कि 100 वर्ष बराबर विषम दिन, 100 वर्ष में आपका 5 विषम दिन, 200 वर्ष में आपका 5 + 5/7 बराबर 3 विषम दिन, और 300 वर्ष में 5 + 5 + 5/7 बराबर 1 विषम दिन, और 400 वर्ष बराबर 5 + 5 + 5 और जो आपका बनेगा लास्ट वाला वो बन जाएगा 6, क्योंकि ये आपका जो 400 वर्ष होगा वो आपका बन जाएगा लीप वर्ष, ये 400 से डिवाइड होगा, तो आप कह सकते हैं जब इसको आप 7 से भाग देंगे तो आपका शेषफल आएगा 0, तो
आप कह सकते हैं कि 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 वर्ष में 3 विषम दिन और 300 वर्ष में 1 विषम दिन और 400 वर्ष में 0 विषम दिन। तो आप कह सकते हैं कि जैसे 400 में विषम दिन 0, वैसे ही 800 में विषम दिन 0, वैसे ही 1200 में विषम दिन 0 और आगे ऐसे चलता जाएगा। और इन सब का जो पी पे मल्टीपल होगा वो सारा का सारा विषम दिन कितना हो जाएगा 0। तो आप कह सकते हैं किसी भी आपको वर्ष दिया जाएगा उसका विषम दिन बताना होगा तो आप बता सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे सवाल दिया हूँ कि आप बताइएगा कि 1912 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस 1912 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1900 प्लस 12 और 1900 को आप लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 और प्लस 12 वर्ष। तो आप कह सकते हैं कि इस 1600 का विषम दिन आपका जो बनेगा वो 0, इस 300 का विषम दिन जो बनेगा 1 और ये 1200 में सबसे पहले आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा कि 1200 वर्ष में कितने लीप वर्ष है। तो आप कह सकते हैं 12 वर्ष में इसको आप 4 से भाग देंगे तो भागफल आपका 3 प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका अब बन जाएगा विषम दिन। तो 12 प्लस 3 15, 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल मिलेगा आपको 1। तो आप कह सकते हैं 1 + 1 + 0 = 2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1912 में 2 विषम दिन होता है। और इसी प्रकार से कोई भी वर्ष दिया जाएगा तो उसका आप निकाल सकते हैं कि विषम दिन कितना होता है। जैसे दिया गया है 1842 वर्ष, यहाँ पे आपको बताना है कि कुल कितने विषम दिन होते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1800 और प्लस 42 और 1800 को आप लिख सकते हैं कि 1600 प्लस 200 प्लस 42 और इस 42 में सबसे पहले आप चेक करेंगे कितने लीप वर्ष हैं, तब ये जाके आपका बन जाएगा विषम दिन। तो 42 को जब आप 4 से भाग देंगे तो आपका भागफल आएगा 10। इसके बाद आप कह सकते हैं कि ये आपका बन गया विषम दिन। 1600 में आप कह सकते हैं कि आपका विषम दिन 0, 200 में आपका विषम दिन 5 + 5 = 3 और 42 + 10 = 52। 52 का शेषफल कितना हो जाएगा जब 7 से भाग देंगे तो 3 और 3 + 3 + 0 = 6। तो आप कह सकते हैं कि 1842 वर्ष में जो भी आपका विषम दिन बनेगा वो 6 बनेगा। तो इस प्रकार से आप अगर कोई भी वर्ष दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि आप बताइए कि यहाँ पे कितने विषम दिन हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि महीने की। तो आप कह सकते हैं महीना जो होता है टोटल होता है 12 महीना और आप कह सकते हैं कि जनवरी होता है 31 का और इसको जब आप 7 से भाग देंगे तो आप कह सकते हैं कि इसका विषम दिन हो जाएगा 3। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि फरवरी, अब फरवरी कह सकते हैं कभी कभी आपका होता है 28 का, कभी कभी होता है 29 का। जब फरवरी 28 का होगा तो विषम दिन 0, जब फरवरी 29 का होगा तो विषम दिन 1। इसके बाद बात करते हैं मार्च। मार्च में कह सकते हैं आप 31 का होता है और इसका विषम दिन हो जाएगा 3। अप्रैल का आप कह सकते हैं कि 30 का महीना होता है, इसका विषम दिन 2। अप्रैल के बाद मई आप कह सकते हैं कि 31 का होता है और इसका विषम दिन 3। मई के बाद जून आप कह सकते हैं कि 30 का होता है और इसका विषम दिन 2। इसी प्रकार से आप सारे महीने का विषम दिन निकाल लेंगे। जून के बाद आपका हो जाएगा जुलाई और जुलाई होता है आपका 31 का, इसका विषम दिन 3। जुलाई के बाद आप कह सकते हैं कि अगस्त और अगस्त का आप कह सकते हैं 31 का महीना और इसका विषम दिन 3। अगस्त के बाद सितंबर आप कह सकते हैं 31 का महीना और इसका विषम सितंबर आपका 30 का महीना और इसका विषम दिन 2। सितंबर के बाद अक्टूबर आपका होता है 31 का, इसका विषम दिन 3। अक्टूबर के बाद आपका आ जाएगा नवंबर होता है 30 का, इसका विषम दिन 2। इसके बाद लास्ट महीना होता है दिसंबर होता है 31 का और इसका विषम दिन होता है 3। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जितने भी महीने होते हैं सारे महीने का आप विषम दिन निकाल सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं दि-
दिन की बात करते हैं कि किस दिन का विषम दिन क्या होता है, तो सबसे पहले आप कह सकते हैं अगर विषम दिन जीरो आएगा, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा, छः, तो जीरो का दिन होता है रविवार, एक का दिन होता है सोमवार, दो का होता है मंगलवार, तीन का होता है बुधवार, चार का होता है बृहस्पतिवार, पांच का होता है शुक्रवार और छः का आपका हो जाएगा शनिवार। तो आप कह सकते हैं कि जब आपका विषम दिन जीरो होगा तो मतलब रविवार, जब विषम दिन एक होगा तो मतलब सोमवार, जब विषम दिन दो होगा तो मंगलवार, जब तीन होगा तो बुधवार, चार होगा तो बृहस्पतिवार, पांच होगा तो शुक्रवार और छः होगा तो शनिवार। तो आप कह सकते हैं कि अब आपको मालूम चल गया है कि कितने वर्ष में विषम दिन, महीने का विषम दिन और दिन का विषम दिन। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे दिया गया है 19 जून 19 जून 1440 का दिन क्या था। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो वर्ष चल रहा है वो 1440 चल रहा है और 19 जून तक चला है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1439 वर्ष पूरे के पूरे बीते हुए हैं और जो 40वां वर्ष चल रहा है उसमें जनवरी बीता है, फरवरी बीता है, मार्च बीता है, अप्रैल बीता है, मई बीता है और जून पहुँचे हैं हम 19 जून। तो आप कह सकते हैं कि 1439 में अगर आपको बताना है कि विषम दिन कितना होता है तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1400 + 39 और 1400 को विषम दिन आप कह सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1200 + 200, 1200 का विषम दिन जीरो और 200 का विषम दिन तीन। 39 वर्ष का अगर विषम दिन निकालना है तो आप कह सकते हैं 39 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं, जब चार से इसको भाग देंगे तो आप कह सकते हैं कि 4 × 9 = 36, 9, इसको 7 से भाग देंगे तो आप कह सकते हैं 39 + 9 = 48 और 7 × 6 = 42, बचेगा आपका 6, आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो विषम दिन बनेगा 6। फिर आप कह सकते हैं कि जनवरी जो महीना है उसका विषम दिन हो जाएगा 3, फरवरी आप चेक करेंगे यहाँ पे कि ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, अगर 1440 लीप वर्ष है तो फरवरी का विषम दिन 1, अगर 1440 सामान्य वर्ष है तो फरवरी का विषम दिन 0। तो आप कह सकते हैं 1440 आपका लीप वर्ष है और फरवरी यहाँ हो जाएगा 1। इसके बाद अगर मार्च की बात करते हैं तो मार्च का विषम दिन 3, अप्रैल का विषम दिन 2, अप्रैल के बाद मई का विषम दिन 3 और मई के बाद जून दिया गया है जो कि 19 जून है और 19 जून का विषम दिन आप इसको 7 से भाग देंगे, शेषफल आपका मिलेगा 5। तो आप कह सकते हैं यहाँ का विषम दिन 5, तो सबको ऐड करने के बाद फिर से 7 से भाग दे देंगे तो आप कह सकते हैं कि 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 1, 14, 3, 17, 6, 23, 23 और 3, 26, 26 को जब आप 7 से भाग देंगे तो शेषफल आपको मिलेगा 26/7 और 7 × 21 बचेगा 5 और 5 अगर विषम दिन है तो आप कह सकते हैं 5 मतलब शुक्रवार। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि 19 जून 1440 का दिन क्या था, 19 जून 1440 का जो दिन निकल के आया है वो कि शुक्रवार। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोई भी डेट दिया जाएगा उस डेट का अगर आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा तो आप इस तरीके से चीज़ों को निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका आंसर सही आएगा। जैसे दूसरा सवाल दिया गया है कि 2 अक्टूबर 1869 मैं आपसे कह दूं कि आप बताइए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, तो आप कह सकते हैं कि जो वर्ष चल रहा है वो 69 वाला चल रहा है, इसका मतलब है कि 1868 वर्ष बीत चुके हैं और
69 वर्ष चल रहा है, जनवरी उसमें बीता है, फरवरी बीता है, मार्च बीता है, अप्रैल बीता है, मई बीता है, जून बीता है, जुलाई बीता है और अगस्त बीता है, इसके बाद सितंबर आपका बीत चुका है और अक्टूबर दिया गया है 2 अक्टूबर। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ का विषम दिन आपको बताना कि 1868 में विषम दिन क्या होगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि आपका बन जाएगा 1800 प्लस 68, 1800 का सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि 1600 प्लस 200, 1600 का विषम दिन 0 और 200 का विषम दिन 3। इसके बाद आप कह सकते हैं 68 का विषम दिन आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें आप ऐड करेंगे लीप वर्ष और इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 4 × 4 = 2 और 4 × 7 = 28। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो लीप वर्ष बनेगा, 68 का लीप वर्ष 17, इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं कि चाहे तो आप दोनों को जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए, चाहे तो अलग अलग, तो 7 से भाग देंगे, 7 × 9 = 63 बचेगा 5 और 7 × 2 = 14 बचेगा 3, 5 + 3 = 8, 8 को 7 से भाग देंगे शेषफल 1, मतलब 68 का विषम दिन हो जाएगा 1। इसके बाद आप कह सकते हैं कि जनवरी का विषम दिन 3, फरवरी को चेक करना है, ये आपका लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, अगर ये लीप वर्ष होगा तो फरवरी 1 का, अगर ये सामान्य वर्ष है तो फरवरी 0 का। तो आप कह सकते हैं कि फरवरी यहाँ पर हो जाएगा 0। इसके बाद मार्च आपका बनेगा 3, अप्रैल का विषम दिन 2, मई का विषम दिन 3, जून का विषम दिन 2, जुलाई का विषम दिन 3, अगस्त का विषम दिन 3, सितंबर का विषम दिन 2 और इसके बाद अक्टूबर दिया गया है, अक्टूबर का ये 2 अक्टूबर का विषम दिन 2। तो आप कह सकते हैं इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दीजिए कि 2 × 2 = 4 × 7 × 10 × 12 × 3 = 15 × 2 = 17 × 20 = 20 × 3 = 23 × 1 = 24 × 24 = 27 × 27 को जब आप 4 से भाग देंगे तो आप कह सकते हैं कि शेषफल आपका मिलेगा 6 और यह 6 विषम दिन का दिन होता है शनिवार। आप कह सकते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार। और इस प्रकार से आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं दूसरे तरीके पे, जहाँ पे आपको कम टाइम लगेगा, बस एक दो ट्रिक याद करना रहेगा, उस ट्रिक की सहायता से आप बहुत तेज़ी से किसी भी डेट का निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले शताब्दी वर्ष 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 इन सब का आपको याद करना है कि कोड क्या होता है। जैसे 1600 या 2000 का आप कह सकते हैं कोड 6 होता है, 1721 का आप कह सकते हैं 4, 1800, 2200 का होता है 2, 1900 और 2300 का होता है 0। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आपका होता शताब्दी वर्ष प्लस लीप वर्ष, ये आपका है शताब्दी वर्ष प्लस लीप वर्ष, इसका कोड होता है 6। इसके बाद दो दो अंक आपका कम होता जाएगा और सारे नंबर सम के हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर शताब्दी वर्ष 1600 दिया गया है या 2000 दिया गया है तो उसका कोड आपका 6, 1700 दिया गया या 2100 दिया गया तो उसका कोड आपको 4, 1800, 2200 दिया गया तो उसका कोड 2, 1900 और 2300 दिया गया तो उसका कोड 0। इसके बाद बात करते हैं महीने की। आप कह सकते हैं कि महीना जो होता है वो कुल 12 महीना होता है और सबसे पहले होता है सामान्य वर्ष और इसके बाद होता है लीप वर्ष। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जनवरी की। तो आप कह सकते हैं कि जनवरी जब सामान्य वर्ष होगा तो जनवरी का कोड होगा 0, जब लीप वर्ष होगा तो जनवरी का कोड होगा 6। इसके बाद फरवरी की बात करते हैं कि जब सामान्य वर्ष होगा तो फरवरी होगा 3 और जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी होगा 2।
इसके बाद मार्च, आप कह सकते हैं कि जब सामान्य वर्ष होगा तब मार्च का कोड हो जाएगा 3 और लीप वर्ष का भी कोड 3। आप कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है, इसके आगे जितने भी महीने दिए जाएंगे सारे महीने का कोड दोनों का सेम होगा। तो आप कह सकते हैं इसके बाद आपका अप्रैल, फिर आपका मई, फिर आपका जून। तो आप कह सकते हैं कि अप्रैल का कोड होता है 6, मई का 1, जून का 4, इसके बाद जुलाई। तो जुलाई का आप कह सकते हैं 6, और यहाँ पे लीप वर्ष में भी सेम रहेगा कोड। इसके बाद बात करते हैं अगस्त। तो आप कह सकते हैं चाहे लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष है, दोनों में अगस्त होता है 5, इसके बाद सितंबर का कोड 5, अक्टूबर का कोड 0, नवंबर का कोड 3 और दिसंबर का कोड 5। तो आप कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की जो भी महीने दिए गए हैं उनका कोड आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि जैसे दिया गया है सामान्य वर्ष, तो इसको आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं कि 03 36 146 25 0 35। और अगर लीप वर्ष दिया गया है तो आप कह सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 62 36 146 25 0 35। और याद करने का तरीका है कि आप कह सकते हैं कि आपके उंगलियों में ये 12 छोटे छोटे खाने हैं, इनको मैं मान चलता हूँ कि आपके सारे महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो जो महीना जहाँ पे आएगा आप कह सकते हैं कि 03 36 146 25 0 35, या आप कह सकते हैं कि 62 36 146 25 0 35, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दिन का। आप कह सकते हैं कि अगर आपका विषम दिन जीरो आता है तो आप कह सकते हैं ये आपका है रविवार, अगर विषम दिन 1 आता है तो सोमवार, अगर विषम दिन 2 आता है तो मंगलवार, विषम दिन 3 आता है तो बुधवार, और ऐसे ही लास्ट आप कह सकते हैं कि जैसे विषम दिन 6 आएगा तो मतलब शनिवार, यहाँ पे 4 और 5 आएगा तो बृहस्पतिवार और 5 आएगा तो शुक्रवार, ये आपको याद करना है। और इसके अलावा एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि इसको बनाना कैसे है। तो आप कह सकते हैं फार्मूला होता है कि विषम दिन बराबर 1 शताब्दी वर्ष का कोड प्लस महीने का कोड प्लस कुल वर्ष प्लस लीप वर्ष, और यहाँ पर लिख लेंगे प्लस तारीख, और सबको भाग कर देंगे 7 से। तो आप कह सकते हैं किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 7 से कम आता है, और 7 से कम कोई भी अंक आएगा तो आप कह सकते हैं कि हर एक नंबर का आपको विषम दिन पता है कि किस विषम दिन पर कौन सा दिन होता है। तो बात करते हैं कि पहले सवाल पे यहीं से जैसे दिया गया था अभी कि 14 जुलाई 1952 का आपको बताना है कि दिन क्या होता है। तो
आप कह सकते हैं कि 14 जुलाई 1952 का दिन निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसमें चेक करेंगे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष आपको दिख रहा है 1900, और 1900 का कोड अभी आप याद किए हैं कि 0 होता है। इसके बाद बात करेंगे महीने का कोड, तो महीना आप चेक करेंगे कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई। तो जुलाई का आप कह सकते हैं कि आपका 7वां महीना होता है, तो 7वें महीने में आप चेक कर सकते हैं कि 03 36 146 जुलाई का मत कोड हो जाएगा आपका 6। फिर आप कह सकते हैं कुल वर्ष, तो 1900 हटाने के बाद आप कह सकते हैं कुल वर्ष आपके हैं 52, और इस 52 में लीप वर्ष निकालेंगे आप, 52 को जब 4 से भाग देंगे भागफल आपका 13, तो आप कह सकते हैं कि 52 वर्ष में कुल 13 वर्ष, और प्लस तारीख, तारीख की बात करेंगे तो 14 तारीख, और सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे तो आप कह सकते हैं कि सबको जोड़ने पर 4 3 7 2 9 6 15 का 5 हासिल, 1 1 और 1 2 2 1 3 और 3 और 5 8। तो आप सब जब सबको जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि 85/7, 7 से भाग देंगे 85 को, 7 9 7 और बचेगा 1 7 2 14 और बचेगा 1। तो आप कह सकते हैं कि 14 जुलाई 1952 का विषम दिन 1, और 1 आप लिखे हैं, 1 का मतलब होता है सोमवार। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि आपका 14 जुलाई 1952 का जो दिन निकल के आया है वो सोमवार है। और इसी प्रकार से आप चीज़ों को, दो चीज़ आपको याद करना है, एक शताब्दी वर्ष का कोड, एक महीने का कोड। अगर ये दो कोड आपको याद है तो आप कह सकते हैं कि कोई भी डेट दिया जाएगा वहाँ से आप दिन निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों ऐसे कुछ सवालों पर बात करते हैं और सीखते हैं कि कोई भी डेट दिया जाएगा तो आपको उसका विषम दिन कैसे निकालेंगे। जैसे दिया गया है 26 नवंबर 2008, 26 नवंबर 2008 का दिन, तो आप कह सकते हैं कि इसको सबसे पहले आप लिखेंगे कि शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष दिया गया है 2000, तो आप यहीं से कह सकते हैं कि सीधा सीधा विषम दिन बराबर 2000 का कोड 6। इसके बाद महीना दिया गया है नवंबर, तो आप कह सकते हैं नवंबर सबसे लास्ट में आता है और नवंबर का कोड आप लिखेंगे 3। और इसके बाद कुल वर्ष, कुल वर्ष आपका है 8, और इस 8 वर्ष में 2 आपके लीप वर्ष, और इसके बाद तारीख दिया गया है 26, और सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे, जो शेषफल आपका मिलेगा वही आपका विषम दिन है। और हर विषम दिन का आपको दिन पता है कि 26 2 28, 28 8 36, और 36 9 45, 45 को जब आप 7 से भाग देंगे आप जोड़ सकते हैं कि 6 2 8 8 8 16 16 3 19 19 5 25 25 का 5 हासिल, 1 2 और 2 2 4, सात से इसको भाग देंगे तो आप कह सकते हैं शेषफल 3, और 3 का मतलब है बुधवार। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 26 नवंबर 2008 को कौन सा दिन है, बुधवार। और इसी प्रकार से बहुत सारे सवालों को आप निकाल सकते हैं। जैसे दूसरे सवाल की बात करते हैं, दिया गया है 12 अगस्त 1953 को कौन सा दिन था, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे विषम दिन आपको निकालना है, विषम दिन बराबर शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष दिया गया 1900, तो आप कह सकते हैं 1900 का कोड 0। इसके बाद दिया गया अगस्त, आप कह सकते हैं अगस्त आपका होता है 8वां महीना, 03 36 146 25, मतलब अगस्त का कोड 2, अगस्त का कोड 2। इसके बाद आप कह सकते हैं कुल आपका 53 लीप वर्ष है, 53 लीप वर्ष के बाद आप कह सकते हैं इसको जब आप 4 से भाग करेंगे तो आप 53 आपका कुल वर्ष है, इसको जब आप 4 से भाग करेंगे तो लीप वर्ष आपका मिल जाएगा 13। इसके बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ इसके बाद तारीख दिया गया है 12, उसको सबको आप 7 से भाग करेंगे
आप कर सकते हैं कि चाहे तो आप अलग अलग भाग करके शेषफल निकाल सकते हैं कि 7 से यहाँ पे भाग करेंगे तो शेषफल 4, यहाँ पे भाग करेंगे तो 6, यहाँ पे भाग करेंगे 5, और 6 5 11, 11 प्लस 4 15, और 2 17, 17 को 7 से भाग करेंगे शेषफल आपको मिलेगा 3, और 3 का मतलब फिर आप कर सकते हैं बुधवार। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी डेट दिया जाएगा तो आप विषम दिन निकाल लेंगे सबसे पहले, और जो विषम दिन होगा उसका आप दिन बता देंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल पे कि और किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। जैसे दिया गया है कि मार्च 2013 में किस किस दिनांक पर बुधवार आएगा, दिया गया है मार्च 2013 के किस किस डेट पर बुधवार आएगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, अगर सबसे पहले मुझे इस मार्च महीने का कोई भी एक तारीख का दिन मालूम हो तो वहां से आप बता सकते हैं कि कितने बुधवार थे। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा कि 1 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। तो आप कह सकते हैं कि 1 मार्च 2013 का दिन निकालने के लिए आप कह सकते हैं कि विषम दिन बराबर शताब्दी वर्ष 2000, और 2000 का 20 कोड होता है 6। इसके बाद आप कह सकते हैं कि महीना दिया गया है मार्च, और मार्च का कोड होता है 3। इसके बाद आप कह सकते हैं कि कुल वर्ष 13, और 13 में जो लीप वर्ष है वो है 3। इसके बाद तारीख दिया गया है 1, इसको 7 से भाग देंगे तो आप कह सकते हैं शेषफल आपको मिलेगा 3 3 3 3 6, और 1 7 7 का शेषफल 0, और 13 और 6 19, 19 को जब आप 7 से भाग देंगे तो आप कह सकते हैं कि आपका विषम दिन 5, और 5 का मतलब होता है शुक्रवार। तो आप कह सकते हैं कि 1 मार्च 2013 को शुक्रवार। अब आपको मालूम चल गया कि मार्च का जो पहला दिन था वो शुक्रवार था, तो 2 मार्च को आप कह सकते हैं शनिवार, 3 मार्च को रविवार, 4 मार्च को सोमवार, 5 मार्च को मंगलवार, यहां से आप कह सकते हैं कि 6 मार्च को बुधवार, इसके बाद 6 के बाद 7 और ऐड करेंगे तो 13 मार्च को बुधवार, और 13 में 7 और ऐड करेंगे तो 13 7 20 मार्च को बुधवार, फिर 7 और ऐड करेंगे तो आप कह सकते हैं 27 मार्च को बुधवार। ऐसे आपका बनता जाएगा। आप कह सकते हैं कि किसी भी दिन में 7 जोड़ेंगे तो आपका वही दिन प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि मार्च 2013 में किस किस दिनांक को बुधवार आएगा। तो पहला जो बुधवार होगा वो आपका बनेगा 6 मार्च को, दूसरा जो आपका बनेगा वो 13 मार्च को, तीसरा जो बनेगा आपका 20 मार्च को, और चौथा जो आपका बन जाएगा 27 मार्च को। तो आप कह सकते हैं कि मार्च के महीने के 4 डेट को बुधवार होगा। इसी प्रकार से और भी सवाल आप बना सकते हैं। जैसे दिया गया है कि मई 1993 में रविवार किस किस तारीख को था, आप लिख सकते हैं मई 1993 में रविवार किस किस तारीख को था। आप कह सकते हैं इसको निकालने के लिए सबसे पहले अगर आपको मालूम चल जाए कि 1 मई 1993 को कौन सा दिन था, तो यहां से आप सबसे पहले बता सकते हैं कि विषम दिन बराबर, आप कह सकते हैं यहां शताब्दी वर्ष दिया गया 1900 का कोड 0, इसके बाद महीना मई दिया गया है, मई आपका होता है 5वां महीना, 0 3 36 1, और मई का कोड हो जाएगा 1।
इसके बाद आप कह सकते हैं कुल 93 वर्ष, 93 को जब 4 से भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो लीप वर्ष बनेगा वो 23 बन जाएगा। और तारीख दिया गया है 1, इसको जब आप 7 से भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 1, 3 और 1, 4, 4, 3, 7 और 1, 8 और 9, 2, 11, 118/7। और 7 से यहाँ भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 7 × 7 बचेगा 4, 7 × 6 = 42, 6। और 6 का मतलब हो जाएगा आपका शनिवार। तो आप कह सकते हैं कि 1 मई 1993 को शनिवार था। तो आप कह सकते हैं कि 2 मई को रविवार, 2 के बाद 9 मई को रविवार, 9 के बाद 16 मई को रविवार, और 16 के बाद 23 मई को, और 23 के बाद 30 मई को रविवार। तो आप कह सकते हैं कि मई 1993 में कुल मिला के 5 डेट को रविवार था, 2, 9, 16, 23 और 30। तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है ना ये सब कैसे बन रहा है। दोस्तों ये तो रहा आपका सवाल, ठीक है। अब अगली क्लास में इसी सवालों को लेकर चर्चा करेंगे किस प्रकार से और आगे सवाल बनेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।